सिद्धार्थ जब घर छोड़े, सिद्धार्थ जब घर छोड़े जब बुद्ध नहीं हुए थे, बहुत छोटी उम्र में सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ के जो पिता थे बहुत बुढ़ापे में उनको लड़का हुआ था, बहुत यत्न के बाद उनको लड़का हुआ सिद्धार्थ। एक लड़का था, बहुत बड़ा राजपाट था, तो उनको डिलीवर करना था अपना राजपाट। तो बाप को बड़ी उम्मीदों से लड़का हुआ, भोज हुआ, जो भोज होता है नामकरण संस्कार जिसको बोलते हैं। तो जब नामकरण संस्कार हुआ सिद्धार्थ का, तो बड़े बड़े उस राज्य के जो ज्योतिष थे, जो ज्योतिषी थे, वहां वो भाग लेने आए। तो राजा को उत्सुकता की थी, मेरा बेटा बड़े बुढ़ापे में हुआ है, पूरा राजपाट ही इसको संभालना है। तो राजा ने उत्सुकता के साथ ज्योतिषियों को सिद्धार्थ के बारे में पूछा। तो जितने भी ज्योतिषी आए थे, उन्होंने जब सिद्धार्थ का हाथ देखा, बहुत छोटा था जब वो, तो सभी ज्योतिषियों का एक मत था कि राजन या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा और या ये सन्यासी हो जाएगा, ये बीच की जिंदगी में कभी रहेगा नहीं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या सन्यासी होगा, ये बीच का जीवन नहीं बिताएगा। अब राजा को बहुत भय हुआ कि इस उम्र के अंदर मेरे को बेटा हुआ, अगर यही सन्यासी हो गया तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। और उसी प्रांगण में एक युवक ज्योतिष भी बैठा था, कुदन्ना उसका नाम था। कुदन्ना ने उंगली उठाई, कुदन्ना ने कहा, राजन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका लड़का सन्यासी हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये राजपाट छोड़ देगा और ये सन्यासी होगा। तो राजा ने बोला, अब इसका इलाज क्या है कि ये सन्यासी ना हो जाए। तो उन्होंने बोला, इसको भ्रम में रखो, इसको भ्रम में रखो, इसको दुनिया के दुख दर्द मत देखने देना, इसको ये मत देखने देना कि पत्ता हरा से पीला होता है, इसके मन में भाव पैदा हो सकता है कि एक दिन मैं भी झड़ सकता हूं, वैराग्य पैदा हो सकता है। इसको किसी बूढ़ा आदमी को मत देखने देना कि जब ये बूढ़ा देखेगा तो इसके मन में भाव आ जाएगा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूं, इसके मन में वैराग्य आएगा। अलग अलग ऋतुओं के लिए राजा ने अलग अलग महल बनाए सिद्धार्थ के लिए। गर्मी उसको महसूस हो उसको पता नहीं चलता था, सर्दी उसको महसूस हो उसको पता नहीं चलता था। पूरे राज्य में डोंडी पीटी जाती थी कि जब सिद्धार्थ रास्ते से निकले कोई बूढ़ा आदमी ना गुजरे। उसके माली 2400 घंटे 12 महीने उसके बगीचे में रहते थे, पीले पत्तों को उठाते थे, सूखे पत्तों को उठाते थे। सिद्धार्थ बड़ा हुआ, तो जब बड़ा हुआ तो एक युवक महोत्सव में राजकुमार को भाग लेने जाना था, क्योंकि उस महोत्सव का जो इनॉग्रेशन था वो राजकुमार ही करता था। तो उसको शहर से निकलना था, तो राजा के मन में भय पैदा हुआ, तो मुनादी कराई गई रास्ते में कि कोई बूढ़ा आदमी उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए, कोई मृत्यु की शैया उस रास्ते से कभी दिखाई नहीं दे, कोई सन्यासी वहां से ना गुजरे। ये मुनादी कराई गई, बहुत दिनों तक मुनादी चलती रही, और वो दिन आया जब सिद्धार्थ को उस महोत्सव में भाग लेने जाना था। रथ पे सवार होकर सिद्धार्थ निकले, किसी इतना बड़ा राज्य किसी बहरे ने मुनादी ना सुनी। जब बाहर निकले तो सबसे पहले सिद्धार्थ को दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी जो कमर झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ ने जिंदगी में पहली बार बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये आदमी को क्या हो गया, ये झुक के क्यों चलता है? तो सारथी ने बोला, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं इस बारे में आपसे कुछ कहूं। तो सिद्धार्थ ने बोला, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, मैं राजा हूं तेरा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तो मुझे आंसर दे कि झुक के क्यों चल रहा है। तो उसने बोला, राजन ये बुढ़ापा है। तो बोला, ये क्या होता है? बोला, अवस्था होती है, जैसे अभी आप जवान हैं तो कुछ समय के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? और मैं अपने नॉलेज के हिसाब से समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट रिएक्शन, दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर एनी सिचुएशन। वो बात तत्काल अपने ऊपर लागू हो गई कि क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। उसने बोला, राजन एक दिन सबको होना पड़ता है। रथ थोड़ा सा आगे गुजरा तो एक शव यात्रा सिद्धार्थ ने देखी। सिद्धार्थ ने बोला, इसको बांध के क्यों ले जा रहे हैं, इसको इसके लेटा क्यों है, इसको बांधा क्यों हुआ है? तो सारथी ने बोला, राजन ये मर गया है। उसने बोला, मर गया है वो क्या होता है? बोला, ये बुढ़ापे के बाद क्या अवस्था है? सिद्धार्थ ने बोला, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? उसने बोला, राजन सबको मरना है। रथ जब थोड़ा सा और आगे निकला तो सिद्धार्थ ने अपने जीवन में पहली बार एक सन्यासी को देखा जो गेरुए वस्त्र पहन के जा रहा था। सिद्धार्थ ने बोला, इसने ये कपड़े क्यों पहने? उसने बोला, राजन ये सन्यासी हो गया है, इसने सब छोड़ दिया है कि जीवन में दुख है, तकलीफ है,
ईश्वर की खोज में निकल गया। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोको, यहीं से वापस ले लो। वो उस महोत्सव में भाग लेने नहीं गए और उस रात को सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। नया नया शादी हुआ था, उसी रात को सिद्धार्थ घर छोड़ के चले गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 12 बरस बाद बुध होके लौटे तो बीवी ने दरवाजा खोला, यशोदरा ने एक लाइन पूछी, मुझसे पूछ के क्यों नहीं गए। यशोदरा पूछी मुझसे पूछ के क्यों नहीं गए। बुध ने कहा, मैं तुझसे पूछता तो मुझको जाने देती। तू मुझसे गुस्सा हो रही है कि मैं 12 साल तुझसे दूर रहा। तू मुझे गुस्सा हो रही है, तू ये मत देख कि कौन तेरे पास गया था, तू ये देख गया जो था वो कोई और था, लौटा जो है वो कोई और है। जो गया था वो लौट के नहीं आया। तो दोस्त, आपके 4 साल 5 साल 10 साल की तपस्या आपके परिवार को ये बताने के लिए काफी है कि आप गए कुछ और होंगे, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद नेटो मार्केटिंग में जब घर लौटेंगे तो आप होंगे नहीं। तो पूछने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आप उनको बता नहीं पाएंगे कि आप किस काम से जा रहे हैं।